अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में मसूर मसाला राइस। मसूर मसाला राइस बनाने के लिए हमने 2 कप दाल ली है, खड़े मसूर वाली जो साबुत मसूर होती है वो ली है, बॉईल कर लिया है मैंने इसको। बहुत ज़्यादा दाना घुलाया नहीं है, बिल्कुल गला हुआ है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिपटिपसा हो जाए, चुपका हो जाता है, बिल्कुल खड़ा खड़ा रखना है, ठीक है। और 4 कप हमने लिए चावल बॉयल, और तकरीबन 8 अदद बड़े वाले मैंने आलू लिए हैं, इसको बॉयल करके बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। 6 से 8 अदद हमने लिए हैं टमाटर बड़े साइज के, इसको मैंने राउंड शेप में काटा है। 3 गड्ढी हमने दरमियाने साइज की प्याज लिए है। 10 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें लिए हैं। 1 नींबू लिया है जिसको मैंने राउंड शेप में काट लिया है। 1 चम्मच हमने इसमें लिए अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/2 गड्ढी हमने लिए पुदीने की। 1/2 गड्ढी हमने लिए हरा धनिए की। मसाला बनाने के लिए हमने लिए 1 अदद मैंने लिए है दालचीनी स्टिक। 5 अदद हमने लिए लौंगे। 1 बड़ी इलायची। 1 बादियाने फूल। 6 से 8 अदद हमने लिए हैं काली मिर्चें। और नमक हमने लिए हसबे ज़ायका मसाले के लिए। और 3 चम्मच हमने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर। 3 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर। 1 चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर। और इसके अलावा मैंने लिया है फूड कलर लिया है ये हमने। 1/2 प्याली हमने दही लिए है। 1/2 चम्मच हमने लिए जायफल पाउडर। और 1/2 चम्मच हमने लिया जावित्री पाउडर। 1 चम्मच हमने लिया गरम मसाला पाउडर। तो 1 कप तकरीबन हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुकिंग ऑयल हमारा गरम हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने लाइट गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने तेज फ्राई नहीं करना है, ठीक है। प्याज हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई, हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। हमारा जो गरम मसाला था ये चिली पाउडर और क्या लौंगे बादियाने फूल लौंगे बड़ी इलायची हमने ये डाल देना है, ठीक है। इसके साथ ही अब हमने डाल देना है इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। साथ ही इसमें डाल देना ड्राई मसाले लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी है। हल्दी को मैंने हल्का सा पानी डाल लिया है, ठीक है। हल्दी डाल देंगे इसमें। हल्दी में हमने पाउडर है हल्दी, ठीक है। हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिलाएंगे, ठीक है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे मसाले में हल्दी जायका नमक, ठीक है। डाल देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद हमने जो टमाटर काटे थे 8 अदद उसमें आधे टमाटर इसमें डाल देंगे, ठीक है। मसाले पूरे नहीं डालेंगे, आधे टमाटर हमने मसाले में डाल देंगे, ठीक है। टमाटर का पानी डाल देंगे तो थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरीके से पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट हमने मसाले के साथ टमाटर को अच्छे से पका के हमने जो बॉयल करके रखी थी खड़े मसूर की दाल ब्राउन वाली साबुत मसूर ये मिक्स कर देंगे, ठीक है। और साथ ही हमने जो आलू बॉयल करके रखे थे वो मिक्स कर देंगे। मसाले को आलू और उसके साथ इसे मिक्स कर देंगे। आलू को दाल को मसाले के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। हमने आधे मसाले को एक प्लेट में निकाल लिया। आधा मसाला हमने अलग प्लेट में निकाल लिया है, ठीक है। और थोड़ा सा मसाला हमने इसमें नीचे रहने दिया। आलू भी है दाल भी है और मसाला भी है। अब हमने इसमें
इसमें डाल देना है बॉयल जो हमने चावल भर लिए थे वो डाल देना है इसमें। चावल की बिछा दी है, नीचे हमने मसाला दाल और आलू के रखे थे और उसके अलावा जो हमने निकाले थे एक पलट निकाली थी मसाले की वो डाल देंगे इसमें। इसको इस तरीके से पूरे में बिछा देंगे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, जो हमने एक अदर टमाटर काटा था नींबू उसके स्लाइस और जो टमाटर टमाटर जो हमने रोके थे वो हमने इस तरीके से इसमें बिछा लिए, ठीक है। और अब हमें साथ भी डाल देना है पुदीना, ठीक है, पुदीना डाल देना है। पुदीने के साथ ही हमने इसमें डाल देना है हरा धनिया, ठीक है। के बाद हमने एक लेयर दोबारा लगानी है चावलों की, ठीक है। एक लेयर और लगा दी हमने चावलों की, अब इसी तरीके से हम करेंगे। हमारे पास ये आलू और दाल वाला जो मिक्सचर था डालने के बाद जो हमारे पास टमाटर थे, टमाटर नींबू ठीक है ये डाल देना। ये डालने के बाद फिर हमने डाल देना है पुदीना, पुदीने के साथ अब हमने डाल देना है हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया डालने के बाद जो हमारे पास बाकी के चावल हैं वो डाल देंगे। चावलों की लेयर लगा दिए, चावलों की लेयर लगाने के बाद जो हमने आधी प्याली लिया था दही, आधी प्याली दही लिया था इसके अंदर हमने डाल देना है एक चम्मच तकरीबन हमने इसमें डाल देना है फूड कलर, ठीक है। फूड कलर के साथ ही अब हमने इसमें डाल देना है जायफल पाउडर, जवती पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ठीक है। इन तीनों जायफल, जावित्री पाउडर और गरम मसाला और फूड कलर दही के अंदर हमने मिला दिया है, दम पे रखेंगे अब हम इसको। उससे पहले हमने इसको इस तरीके से डाल दिया, पहले हम इसको तेज आंच पर रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी आंच हम स्लो कर पहले 2-3 मिनट के लिए थोड़ा तेज आंच पर रखेंगे। 2-3 मिनट हो गए फुल आंच पे हमने रखे थे, अब हम इसको दम वाले आंच पर रख देंगे, ठीक है। 5 मिनट के लिए हमने चावलों को दम पे रख देते हैं, दम पे आ जाने के बाद हम सर्व करेंगे। चावल हमारे दम पे आ चुके हैं, इसको हमने अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद खिले खिले से चावल बने हमारे, इतनी प्यारी से लुक आ रही है। मिक्स करके अब हमने इसको डिश आउट कर दिया। आज की हमारी मसूर मसाला राइस की रेसिपी बिल्कुल से तैयार है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।